तो हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस न्यू सेशन तो आज का टॉपिक है हमारा रोल्स लॉ और साथ में हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आज तो ज्वाइन करिए सो so, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर्स के ऊपर और बहुत ही स्लो स्पीड में हम ये स्टार्ट किया है हमने चैप्टर तो ऐसे लोग जो चैनल पे फर्स्ट टाइमर हैं या जिन्होंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं पिछले तो ऐसे लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं डालते हैं मेरे को कि आप रिपीट करिए सो आई विल डेफिनेटली रिपीट और मैं उनके लिए अलग सेशन में ब्रीफली जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रिपीट कर दूँगा ताकि उनको आगे अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए सो so, आपकी सजेशंस आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा वेलकम है काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो ये स्टडी पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था ये उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं जी करिए ज्वाइन वेरी गुड तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन कैसे है और वट इज़ कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में हमने सीखा है और येस्टरडे जो लेक्चर था उसमें हमने पेपर प्रेशर के बारे में सीखा था हेनरीज लॉ के बारे में सीखा है सो so, ये देखते हैं हेनरी लॉ के बारे में के कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जब तक कि बाकी लोग ज्वाइन करते हैं सो so, आइए ऐसे लोग जो जिन्होंने हेनरी लॉ इस तरह का नहीं पीछे लेक्चर में देख पाए उनके लिए तो so, हेनरीज़ लॉ क्या है देखिए कि जब कोई गैस हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं ये लिक्विड है और ये मैं किसी गैस को इसमें डिजोल्व करूंगा ठीक है लेटस हमारे पास यहां पर कौन सी गैस है सी ओ टू गैस है सी ओ टू गैस के मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर कुछ प्रेशर है ठीक है गैस है तो इसके प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे इसके तो ये जो सी ओ टू के मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे तो जितना ज़्यादा इन गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होगा उतने ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें जाएंगे लिक्विड स्टेट में इस जो भी लिक्विड है यहाँ पे उसके साथ मिक्स होंगे लेट इट वाटर तो सीओ टू की ज्यादा मिक्सिंग होगी वाटर के साथ अगर सी ओ टू का प्रेशर क्या है ज्यादा है ठीक है so, तो यहाँ पर जो बोला कंपोनेंट है दैट इज सीओ टू तो सीओ टू का यहाँ जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन अब सी टू और वाटर मिक्स हो गए तो ये क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी ओ टू वेपर प्रेशर वाली नहीं वेपर फेज वाली नहीं कौन सी वाली जो इसने मोल uh, फ्रैक्शन अपनी क्रिएट की किसके साथ वाटर के साथ तो so, यहाँ पे बेपर प्रेशर सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टू यहाँ पे जो भी गैस में डिजोल्व हो रही है वाटर में दैट इज CO2 टू तो उसका प्रेशर किसके बराबर होगा फिर के एच x एक्स ठीक है तो ये हमें सॉल्युबिलिटी बताती है अभी देखिए जितनी ज्यादा यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी दैट मीन्स उतनी ज्यादा गैस यहाँ पर क्या हो रही है डिजोल्व हो रही है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस दिस इज ओल्ड हेनरीज़ लॉ और ये है के एच हैनरी लॉ कॉन्स्टेंट इसको हम बोलते हैं और हेनरी लॉ की हमने प्रीवियस डे में तीन हमने इसकी डिस्कस करी थी एप्लीकेशंस तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वी वेलकम गुड मॉर्निंग तो एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से एक तो हमने सीखा था कि सी ओ टू को हम सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में हम ऐड करते हैं अंडर हाई प्रेशर अंडर हाई प्रेशर एंड वाई डू वी दैट लोअर प्रेशर के ऊपर CO2 टू की सोलिबिलिटी मोल फ्रैक्शन क्या रहती है यहां पे लो होती है सो हाई प्रेशर करेंगे तो इसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी ज्यादा CO2 टू जो है वो लिक्विड में मिक्स होगी ठीक है सो इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 टू इन कोल्ड ड्रिंक इट इज फिल्ड अंडर हाई प्रेशर ठीक है दूसरा हमने सीखा था कि स्कूबा डाइवर्स जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ठीक है देर ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन टैंक कंटेन्स डाइल्यूटेड एयर एंड डाइल्यूटेड एयर वो उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको डाइल्यूट किया जाता है जो एयर होती है उसको डाइल्यूट किया जाता है किसके साथ हीलियम के साथ ठीक है तो हीलियम के साथ क्यों हम उसको डाइल्यूट करते हैं देखिए डाइल्यूटेड एयर जो उसमें है ऑक्सीजन टैंक में उसमें सबसे ज्यादा गैस होती है नाइट्रोजन अगर हम नॉर्मल एयर स्कूबा ड्राइवर के ऑक्सीजन टैंक में डाल दें तो उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 79 परसेंट ठीक है अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं तो so, जैसे ही डाइवर बिलो सी जाता है सी वाटर है ये ठीक है सी वाटर से नीचे जाता है प्रेशर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है हाइट की ओर जाएंगे याद रखेंगे हमेशा माउंटेन्स की ओर जाएंगे प्रेशर कम होता है और डाउनवर्ड्स जाएंगे सी लेवल की ओर जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है और सी वाटर के अंदर चले जाएंगे तो प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा सो स्कूबा डाइवर जैसे ही अंडर वाटर एंटर करता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या होगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ ये देखिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्स क्या है अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड ठीक है अमाउंट ऑफ गैस इन सोल्यूशन बोल दो सो so, अगर नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी उसमें आ, आपका ब्लड में ब्लड के साथ जब एयर मिक्स होगी ठीक है जब डाइवर क्या करेगा इनहेल करेगा उस ऑक्सीजन गैस को जिसमें कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितनी है सेवेंटी नाइन परसेंट तो वो वाली एयर अंडर वाटर उसके ब्लड में ज़्यादा मिक्स होगी और ज़्यादा नाइट्रोजन क्या होगी उसके ब्लड में मिक्स होगी और जैसे ही वो डाइवर वापिस आएगा ऑन द सरफेस ऑफ सी प्रेशर कम हो जाएगा अगेन अकॉर्डिंग टू लीचे सॉरी हेनरीज़ लॉ प्रेशर कम हुआ सोलिबिलिटी भी कम हुई अब जो नाइट्रोजन उसके ब्लड में मिक्स हो गई थी सोल्यूबल हो गई थी उसकी सोलिबिलिटी कम हो गई अब वो ब्लड में से निकलना शुरू हो जाएगी ब्लड में से सेपरेट होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी से निकलेगी फास्ट उसका रिलीज होगा और वो बबल्स क्रिएट करेगी कैपलरीज में ठीक है और उससे क्या हो सकता है कैपलरीज फट भी सकती हैं ड्राइवर की क्लियर है बात है तो इससे इस जो मेडिकल कंडीशन जो बनती है इसको बोलते हैं हम बैंड्स ठीक है तो बैंड से क्या हो सकता है इंसान मर भी सकता है ठीक है तो क्या किया जाता है ऑक्सीजन टैंक जो कि स्कूबा डाइवर को दिया जाता है उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कम कर दी जाती है ठीक है बाय अबाउट सिक्सटीन परसेंट और उसमें नाइट्रोजन के बदले में उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं हीलियम अबाउट इलेवन परसेंट आई थिंक तो जिससे कि नाइट्रोजन की ये नाइट्रोजन गैस ही, ही है जो कि ज़्यादा डिजोल्व होती है ब्लड में और ये फिर ज्यादा बबल्स बनाती है तो इसकी परसेंटेज कम करने से डाइवर जब वापस आता है तो बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है कैपलरीज़ में एंड ही रिमेन्स क्लियर और थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने हेनरी लॉ की uh, कि व्हेन वी मूव टू माउंटेन्स माउंटेन्स में हम जाते हैं तो मैंने अभी भी बताया आपको कि ऑन द माउंटेंस प्रेशर इज़ लोअर अगर प्रेशर क्या है लोअर है देन सोलिबिलिटी क्या हो जाती है लो हो जाती है और ड्यू टू लोअर सोलिबिलिटी वहां पर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है ठीक है अगेन दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन हेनरीज लॉ कि माउंटेन पे क्या है पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन uh, का कम है इसलिए वहाँ पर उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी हमारे ब्लड में कम होगी ठीक है इसलिए हमें हमारा सांस भूलेगा हमारी बॉडी रिक्वायर करेगी और ऑक्सीजन इनटेक करने की तो दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर आज का हमारा टॉपिक है सो आप तो बोलिए ये बातें क्लैरिफाई हुई कि नहीं यस yes, नो no, कर दीजिए करिए ठीक है उससे ऐसा लग रहा है लगेगा मुझे कि क्लास में ही पढ़ा रहे हैं वन टू वन हो रही है तो आप लोग कुछ रिप्लाई ही नहीं करते हैं प्लीज़ डू रिप्लाई गुड मॉर्निंग आशीष आज मेरे एंड पे कनेक्शन बहुत अच्छा है और बहुत ही कम लैग जो है वो आपको महसूस होगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक So, आज का हमारा टॉपिक है रोल्स लॉ भी सो so, रोल्स लॉ में आइए देखते हैं पहले आते हैं हम रोल्स लॉ को स्टार्ट कर, करेंगे देखिए ये है हमारे पास दो लिक्विड हैं भाई एक को बोला मैंने लिक्विड नंबर वन ठीक है जिसको कि मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और दूसरा है मेरे हमारे पास एक और लिक्विड जिसका नाम मैंने रख दिया लिक्विड नंबर टू कंपोनेंट नंबर टू एक कंपोनेंट वन हुआ ये कंपोनेंट टू हुआ यहाँ पे ये जो पहला बॉक्स है दूसरा बॉक्स है तीसरा बॉक्स है ये हो सकता है आपको थोड़े बड़े छोटे लगेंगे बट दे ऑल हैव सेम वॉल्यूम इसमें ध्यान रखेंगे तो चलिए नेक्स्ट कि यहाँ पर बिल्कुल प्योर कंपोनेंट वन ही है एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट नंबर टू है प्योर है इसमें और कोई कंपोनेंट नहीं है देखिए तो यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स इसके लिक्विड स्टेट से कहाँ चले गए वेपर स्टेट में चले गए तो ये मॉलिक्यूल्स अब किसके साथ इक्ब्रियम में हैं वेपर फेज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन इक्वलीब्रियम विद द लिक्विड तो इनका जो वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू पी वन नॉट ठीक है और कंपोनेंट टू है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ठीक है the, uh, तो यहाँ पर कंपोनेंट टू का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है पी नॉट तो ये वन और टू कंपोनेंट्स जो हैं दे आर इन प्योर स्टेट अब हमने क्या किया के इन दोनों को मिक्स कर दिया ठीक है मिक्स करने से कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू को मिक्स करने से क्या बन गया सॉल्यूशन, ठीक है भाई जैसे सपोज करिए कि एक गैस नाइट्रोजन है दूसरी ऑक्सीजन है उनको मिक्स कर दिया सॉल्यूशन बन गया डन तो so यहां पर मैंने गैसेस के नाम नहीं दिए इनको जनरल नाम रखे इनके वन एंड टू तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने इनको मिक्स कर दिया तो यहाँ पर अब इसकी मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट वन है उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी बन गई इसकी मोल फ्रैक्शन बन गई एक एक्स वन और जो सेकंड कंपोनेंट है इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है एक्स टू सो एम एफ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा वॉट इज दिस मोल फ्रैक्शन ठीक है अब देखिए जो रोल्स लॉ है इट से किसी कंपोनेंट की कितनी है एक्स वन एक्स टू है ये हमने दे दिया मैंने यहां पर रोल्स लॉ से बेपर प्रेशर जो होगा यहां पर किसका सोल्यूशन का अब सोल्यूशन के ऊपर ये है सोल्यूशन हमारा लिक्विड सेट में ये देखिए इस पर्पल लाइन से नीचे क्या है सोल्यूशन है और इसके ऊपर पर्पल लाइन से ऊपर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स भी हैं और रेड कलर के मॉलिक्यूल्स भी हैं ठीक है तो यहां पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इस सोल्यूशन के के का वो दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर का मिक्सचर होगा तो सम होगा समझाई बात यह so, रॉ रॉ ये बोलता है कि कंपोनेंट वन का वेपर प्रेशर और कंपोनेंट वन का वेपर प्रेशर पी वन जो है दैट विल बी इक्वल टू पी वन किसके बराबर होगा ये हमें बताता है रोल्स लॉ इसके बारे में हमें बताएगा देखिए कि P1 किसके बराबर होगा P1 वन नॉट इंटू एक्स ये क्या है भाई P1 वन नॉट क्या है बेपर प्रेशर है कंपोनेंट वन का प्योर स्टेट में ठीक है और इस तरह से और X1 क्या है कंपोनेंट वन की मोल फ्रैक्शन है ये देखिए और कंपोनेंट टू का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा यहाँ पे पी टू नॉट इंटू एक्स टू ये जो मैंने इक्वेशन लिखी यहां पे इक्वेशन वन लिखी और ये लिखी इक्वेशन टू ये रोल्स लॉ है ये समझा गई बात यह कि नहीं अब देखिए यहां पर पेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है इट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू ये हमें कौन बताता है ये बताता है हमें डॉल्टन डौ, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ठीक है ये लिक्विड के ऊपर क्या है ये? मिक्सचर ऑफ गैस है ठीक है तो पी टोटल पी टोटल किसके बराबर होगा लॉ ये बोलता है कि इट इज द सम ऑफ़ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ़ गैस तो यहां पर गैस वन और गैस टू मतलब कि कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू और पी वन और पी टू कौन बताएगा हमें रोल्स लॉ सो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग बराबर हुआ P1 not into X1 plus P2 not into X2. तो so, इस तरह से P टोटल हमें किसने बता दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेट वन एंड पी टू इज ड्यू टू द कॉम्पोनेंट टू सो इट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉम्पोनेंट टू अब जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ी थी भाई देखिए तब हमने सीखा था मोल फ्रैक्शन के बारे में दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू वन सो वी नो एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन तो यहां से एक्स वन की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी वन माइनस एक्स टू यहां पर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री में एक्स वन को सब्सिट्यूट कर दीजिए वन माइनस एक्स टू से सो पी टोटल किसके बराबर हो जाएगा पी टोटल किसके बराबर पी वन नॉट इंटू एक्स वन की वैल्यू वन माइनस एक्स टू प्लस पी टू नॉट इंटू एक्स टू अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम तो P टोटल यहां पे चलिए यह इसको सॉल्व करते हैं P1 वन नॉट माइनस पी वन नॉट एक्स टू प्लस पी टू नॉट एक्स टू सो ये जो एक्स टू वाले जो टर्म्स है इनको इकट्ठा करते हैं p2 टू नॉट एक्स टू माइनस पी वन नॉट एक्स टू प्लस पी वन नॉट सो पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू प्लस पी वन नॉट तो अभी जो हमने मिक्सचर लिया है भी देखिए इसमें कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू वो था लिक्विड वे आर डिस्कसिंग द वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड तो पी टोटल हमें मिल गया अब देखिए यहाँ पर पी टोटल प्रेशर है इसकी पावर है यहाँ पे वन और मोल फ्रैक्शन है इसकी पावर भी कितनी है वन ठीक है ये वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर क्या है वन तो ये हमारी एक y इज इक्वल टू देखो y क्या है वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का ये चेंज हो जाता है टेम्परेचर से इस तरह से कंसंट्रेशन से ठीक है तो वेरिएबल है ये यहाँ पे और यहां पर किसके साथ चेंज हो रहा है ये एक्स टू की वैल्यू चेंज होगी तो पी टोटल भी चेंज हो जाएगा सो तो पी टोटल एक्स क्या है एक्स टू क्या वेरिएबल है और ये पी टू माइनस पी नॉट ये प्योर स्टेट्स के वेपर प्रेशर्स हैं ये कॉन्स्टेंट हैं तो इसको मैंने एम बोल दिया और पी वन भी पी वन नॉट भी क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये इक्वेशन बन गई यहां पर वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सो so, यहाँ पर अगर y और x के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ठीक है ग्राफ तो आप प्लॉट करते हैं मैथमेटिक्स में तो so, अगर ये वेरिएबल ये वाला एक्सिस y एक्सिस है और ये x है तो यहां पर देखिए जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू किसके बराबर होगी c के बराबर ठीक है तो इस तरह से बनेगा ये ग्राफ सो so, बीच में कैसा रिलेशन है लीनियर लीनियर क्यों बोला कि इनके ग्राफ कैसा बनता है स्ट्रेट लाइन बनती है ठीक है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिप है किसके बीच में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ठीक है तो इस चीज को मैं यहां पे लिख सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ vapor pressure of solution varies linearly linearly with mole fraction mole fraction मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारा X2 क्या है स्मॉलर क्वांटिटी में है तो इसको हम बोल सकते हैं सोल्यूट ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वन ऑफ कंपोनेंट अब यहाँ पर अगर मैं x2 को रिप्लेस कर देता इस इक्वेशन में आपके इक्वेशन नंबर थ्री में तो यहाँ पर x1 आना था ठीक है और यहाँ पर p2 आना था तो कोई भी कंपोनेंट जो है उसमें आपके कंपोनेंट्स कोई भी है लिखेगी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन में लीनियर रिलेशनशिप रहेगी ठीक है सो दिस इज योर रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन्स ऑफ टू लिक्विड्स तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम इसमें एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ प्लॉट आपने इस तरह का पहले नहीं किया है तो थोड़ा सा आपके लिए ये चीज़ नई है चलिए इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँगा आप नीचे दोबारा से और ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाते हैं ये जो इक्वेशन अभी हमने ड्राइव करी इसमें कैसे ग्राफ प्लॉट हम करेंगे ये देखते हैं गुड मॉर्निंग आदित्य इक्वेशन लिखी थी हमने यहां पे प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स तो वेट करेंगे जरा व्हाइट बोर्ड क्रैश हो गया व्हाइट बोर्ड होता है जिसके ऊपर मैं यहां पे लिखता हूं तो ये समटाइम्स इट क्रैशेस वेट मिनट इसको बूट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो चलिए अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं देखिए यहाँ पे अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इक्वेशन इक हमने ड्राइव की पी टोटल इज इक्वल टू पी वन नॉट प्लस पी टू माइनस पी टू नॉट माइनस पी वन इंटू एक्स टू प्लस पी वन नॉट जो मैंने लिखी थी इक्वेशन इसके बेसिस के ऊपर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में Uh, क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है देखिए रॉयल्स लॉ और हेनरी लॉ जो हैं अभी हमारी डिस्कशन चली है तो इनका न, कर लेते हैं डिस्कशन ये दोनों पेपर प्रेशर बताते हैं हमें वोलाटाइल कंपोनेंट का ठीक है हेनरी लॉ में जो गैस है विच इज अबब द लिक्विड सरफेस ठीक है जो कि डिजोल्व हुई है उस लिक्विड में तो उस गैस का प्रेशर बताता है हेनरी लॉ ठीक है तो हेनरी लॉ हमें गैस का प्रेशर और वो जो गैस उस लिक्विड में डिजोल्व हो गई तो डिजोल्व स्टेट में उस गैस की जो मोल फ्रैक्शन है उन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है कौन हेनरीज़ लॉ तो वहां पर क्या है पी इज इक्वल टू के एच इन एक्स है एक्स क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है किसके अंदर है सॉल्यूशन के अंदर वाली मोल फ्रैक्शन ठीक है रॉट लॉ भी हमें यही बताता है रॉट लॉ में मान लीजिए एक दो लिक्विड हैं कंपोनेंट वन है कंपोनेंट टू दो लिक्विड वन लिक्विड एंड टू लिक्विड ठीक है सो वेपर प्रेशर के जो होगा मिक्सचर का जो पेपर प्रेशर होगा उसमें किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा ये आज हमने सीखा कि पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट इन टू एक्स वन ठीक है तो ये भी हेनरी लॉ की ही इक्वेशन की तरह ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है यहां पर यहां पर के एच नहीं है ठीक है और यहां पर के एच के बदले में क्या है पी वन नॉट वो उस लिक्विड का प्योर स्टेट में जो क्या है वेपर प्रेशर है वो है ठीक है तो इन दोनों लॉज में सिमिलरिटी ये है कि हेनरी लॉ और रोल्ट लॉ ये हमें बताते हैं बेपर प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट और डिफरेंस क्या है कि हेनरी लॉ में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ के एच और रोल्ट लॉ में जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है दैट इज़ P1 वन नॉट ठीक है तो ये जो केएच है ठीक है हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस ठीक है वहां पर गैस क्या है वोलाटाइल कंपोनेंट uh, है और रॉयल्स लॉ में जब हमने दो लिक्विड की बात की तो वहां पर लिक्विड क्या है वोलाटाइल कंपोनेंट है ठीक है तो उस वोलाटाइल कंपोनेंट दैट इज लिक्विड का प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है P10. तो वो पी ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड्स नेचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड और केएच किसके ऊपर डिपेंड करता है केएच डिपेंड करता है उस वोलाटाइल गैस के नेचर के ऊपर जिसकी हम सोलिबिलिटी डिस्कस करते हैं तो हमारा बोर्ड बूट हो रहा है ठीक है so, तो चलिए अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ तो आई होप कि आप बोर नहीं होते हैं प्रतिबार तो चलिए इक्वेशन थी हमारी P1 P टोटल इज इक्वल टू चलिए लिखता हूँ इक्वेशन P टोटल इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू तो पी वन पी टू वेपर प्रेश्विड्स के प्योर स्टेट में एक्स टू क्या है मोल फ्रैक्शन है अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सो so, ये एक एक्सिस है हमारा और ये हमारा दूसरा एक्सेस है तो so, यहां पे देखिए जब पी टोटल किसके बराबर है पी वन नाट के बराबर है प्लस पी टू माइनस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इनटू एक्स टू के बराबर है तो so अगर हम एक्स टू की वैल्यू जीरो करते हैं भी देखिए ठीक है उस सिचुएशन में पी टोटल कितना बन जाएगा पी वन नॉट के बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं इस जी इस पॉइंट के ऊपर X2 की वैल्यू रखता हूँ कितनी ज़ीरो ठीक है तो X2 की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो P टोटल की वैल्यू ये देखिए यहाँ पर ज़ीरो डाल दी मैंने तो ये ज़ीरो मल्टीप्लाइंग दिस P2 टू माइनस पी वन इक्वल टू ज़ीरो लेकिन P1 वन बचा तो इसको मैंने यहाँ रख दिया इस पॉइंट पे ये पॉइंट कौन सा है दिस इज़ P1 वन ठीक है अब मैंने आपको बार बार बताया है दैट एक्स वन प्लस एक्स टू किसके बराबर होता है फ्रैक्शन सभी कंपोनेंट्स कि किसके बराबर होती है एक्स टू जीरो है ठीक है एक्स वन प्लस जीरो इक्वल टू वन हो गया तो एक्स वन किसके बराबर आ जाएगा वन so, जब एक्स टू किसके बराबर होगा जीरो के बराबर होगा तो x1 किसके बराबर आएगा भाई x1 आएगा वन के बराबर ठीक है इसका मतलब समझिए जब हमने दो लिक्विड मिक्स किए हैं उसमें x2 टू जीरो है ठीक है दैट मीनस ये वो वाली सिचुएशन है जब हमारे पास एक ही लिक्विड है एक ही लिक्विड कौन सा हुआ फर्स्ट कंपोनेंट लिक्विड नंबर वन ठीक है तो उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है पी वन नॉट ठीक है तो ये वो वाली सिचुएशन है जब हमारे पास एक प्योर कंपोनेंट है कौन से वाला वन ठीक है अब देखिए अब एक्स टू की वैल्यू बढ़ती चलेगी ठीक है सो तो जब एक्स टू की वैल्यू बढ़ेगी तब क्या होगा जब एक्स टू की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स वन की वैल्यू घटेगी देखिए क्यों एक्स वन प्लस एक्स टू किसके बराबर है वन के बराबर है अगर x2 टू वैल्यू की वैल्यू कम होगी देख लीजिए पहले x2 कितनी थी ज़ीरो ठीक है अब x2 की वैल्यू मैंने ज़ीरो पॉइंट वन कर दी ठीक है अब x1 वन प्लस एक्स का टोटल कितना होना है वन तो अब x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट नाइन अगर x2 की वैल्यू कितनी हो जाती है ज़ीरो पॉइंट थ्री तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेवन तब जाके कितनी होगी टोटल दोनों की वन सो जब x2 की वैल्यू बढ़ेगी ठीक है x2 की वैल्यू बढ़ेगी तो x1 की वैल्यू कम होगी ठीक है अब देखिए अब हम ये मान के चलते हैं यहां पे कि x2 की वैल्यू इंक्रीज होती चली गई और इस पॉइंट पे एक्स टू की वैल्यू कितनी हो गई वन अगेन एक्स टू प्लस एक्स वन इज इक्वल टू वन अगर एक्स टू वन के बराबर है तो एक्स वन कितनी हो जाएगी जीरो ठीक है अब यहां पे हम इस लाइन को तो थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और इस लाइन को तो भी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ठीक है तो x2 जब बढ़ेगा देखिए यहां पे x2 की वैल्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगा हमारा ये लीनियर ग्राफ बनेगा एक लाइन बनेगी ये देखिए अब जब यहां पे पहुंच गए हम तो x2 की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई वन के बराबर हो गई ठीक है किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे x1 x2 की वैल्यू वन है तो अब मैं यहां पे x2 की वैल्यू वन डाल के देखता हूं देखिए तो उस सिचुएशन में p टोटल कितना आएगा p टोटल कितना आएगा कब जब x2 टू वन के बराबर होगा p1 वन नॉट प्लस p2 टू नॉट माइनस पी वन की वैल्यू कितनी बताई मैंने इस पॉइंट पे x की वैल्यू है one. X two की वैल्यू वन के बराबर तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये कितना बन जाएगा p1 वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी ये वाला ब्रैकेट ओपन अप किया भी मैंने हम्म पी वन नॉट से p1 वन नॉट कैंसिल हो गया तो P टोटल कितना बन गया जब x2 वन के बराबर है तो पी टोटल कितना बन गया पी टू नॉट के बराबर बन गया तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना है सोल्यूशन का पी टू नॉट के बराबर है ठीक है अब ये तो सोल्यूशन की बात हो गई ठीक है ये किसकी बात हुई ये क्वेश्चन किसके लिए है पी टोटल किसके बराबर होगा भाई P1 वन प्लस पी के बराबर होगा ठीक है अब हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी थी एक P1 के लिए भी थी P1 किसके बराबर था P1 वन नॉट इंटू एक्स और P2 किसके बराबर था P2 टू नॉट इंटू टू ये रॉल्ड लॉ है भी, तो अब हम P1 की वैल्यू देखेंगे और P2 की वैल्यू देखेंगे कि ग्राफ में कैसे वेरी करती है देखिए सो तो चलिए यहां पे देखते हैं X2 की वैल्यू ले लेते हैं पहले X2 की वैल्यू कितनी है जीरो है और जब ये जीरो से वन की ओर जाएगी ठीक है तो जब ये जीरो से वन की ओर जाएगी एक्स टू की वैल्यू जब एक्स टू की वैल्यू बढ़ेगी तो पी टू की वैल्यू भी क्या होगी बढ़ेगी ठीक है सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट टू की ज्यादा होगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या पार्शियल वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है तो ये पी टू पी टू के लिए कैसे कर्व होगी भाई इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्स टू सो जीरो से लेकर एक्स टू की वैल्यू कहां तक जा सकती है वन तक जा सकती है तो so, जब पी एक्स टू की वैल्यू वन हो जाएगी तो पी टू किसके बराबर हो जाएगा पी टू नॉट के बराबर ठीक है तो so, ये देखिए एक्स टू की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी सो so, ये इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगी ये पी टू तक जाएगी ठीक है अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन है हमारे पास P1, equal to P1 not into X1, so, वन इक्वल टू पी वन नॉट इन टू एक्स वन ठीक है सो अगर वैल्यू X1 की कितनी है थोड़ा मुझे क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे तो so, X1 की वैल्यू यहां पर ये यह जो लेफ्ट साइड है इसमें कितनी है वन के बराबर है ये यह देखेंगे यहां पे ये यह देखिए इस पॉइंट के ऊपर एक्स वन की वैल्यू कितनी है वन ठीक है और अगर एक्स वन की वैल्यू वन के बराबर है तो पी वन किसके बराबर है पी वन नॉट की अब देखिए अगर मैं एक्स वन की वैल्यू ध्यान से सुनेंगे अगर मैं x1 की वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो p1 की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी तो देखिए, यहां पर x1 है और x1 वन के बराबर है और यहां पर x1 किसके बराबर है जीरो के तो यहां से लेफ्ट से राइट right की ओर चलते हुए देखिए कर्सर की ओर ध्यान दो लेफ्ट से राइट right की ओर चल रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स वन क्या और ये भी डिक्रीज हो रही है वन से कहा पहुंची जीरो की ओर तो अगर X1 की वैल्यू कम होगी तो पी वन की वैल्यू भी कम होगी बोलिए ये समझ आई सबको बात भाई यस नो लिखिए जल्दी से इफ वैल्यू ऑफ एक्स वन डिक्रीज वैल्यू ऑफ पी वन शुड डिक्रीज लीनियर रिलेशन है जैसे एक में बदलाव आएगा वैसा ही दूसरे में बदलाव आएगा तो बोलिए ये बात क्लियर है रिप्लाई If p1 decreases sorry if x1 decreases then p1 also decreases boli jaldi se ye rolls law hai आशीष clear है बात Very good. हाँ जी अब ये बताएंगे मुझे कि यहां पर जब x1 की वैल्यू कितनी है वन है तो p1 की वैल्यू होगी p1 वन नॉट अब जब x1 की वैल्यू यहां राइट साइड में कितनी है जीरो तो p1 की वैल्यू कितनी होगी फिर जल्द से बताएंगे भी कि अगर x1 की वैल्यू यहां पे राइट साइड में जीरो हो गई ठीक है पी तो वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे जहां मैंने कर्सर रखा है शाबाश जहां मैंने कर्सर रखा है वहां पर पी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये जहां पर मैंने कर्सर रखा है घुमा रहा हूं मैं एरो लगा दिया मैंने देखो पर्पल कलर से यहां पे यहां पर पी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी शाबाश इस पॉइंट के ऊपर जहां मैं कर्सर घुमा रहा हूं हम्म यहां पर पी वन की वैल्यू कितनी होगी वेरी गुड अनिशा ने बिल्कुल ठीक बोला ठीक है तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे ठीक है तो P1 की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी ठीक है यहां पे देखिए यहां पर जब एक्स वन है तो पी वन की वैल्यू कितनी है पी वन नॉट और इस पॉइंट के ऊपर पी वन की वैल्यू कितनी होगी पी वन नॉट x1 एक्स वन जीरो दैट इज जीरो सो लेफ्ट से राइट right क्यों जाएंगे तो पी वन क्या होगा डिक्रीज होगा ठीक है तो ये वाली सिचुएशन ऐसी बनेगी फिर ये ऐसे ठीक है तो ये आपको समझ आ गया वेरी गुड तो ये जो लाइन है ये ये वाली दिस इज बी टू ये वाली लाइन है P2 की और ये जो डाउनवर्ड आ रही है लाइन दिस इज P1 ठीके? ये लाइन कौन सी है P1 की वेरिएशन शो कर रही है और ये वाली लाइन P2 की वेरिएशन शो कर रही है ठीक है तो इस तरह से हमने आज ये रोल्स लॉ देखा ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसके कि दो लिक्विड आपस में क्या हुए हैं मिक्स हुए हैं ठीक है अब चलते हैं हम तो नेक्स्ट भी देखिए एक और रिलेशन समझेंगे कि P1 का जो प्रेशर होगा ठीक है और P टोटल के बीच में क्या रिलेशन होगा ठीक है P2 और P टोटल के बीच में क्या रिलेशन होगा ठीक है so, सो ध्यान देंगे यहाँ पर ये बनाया मैंने क्लोज्ड वेसल ठीक है और यहां पर मिक्सचर है दो लिक्विड्स का पहले मैंने कैसे बनाए थे ये ग्रीन और रेड से ये रेड वाले भी हैं इसमें ठीक है तो देखेंगे यहां पर वेपर स्टेट में रेड वाले भी होंगे और ग्रीन वाले भी होंगे तो ग्रीन वाले रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो देखिए ये ग्रीन तो ये ग्रीन वाले देखिए ये देखिए ग्रीन लाइन से ऊपर है वेपर्स का मिक्सचर ठीक है So, अगर यहां पर वेपर स्टेट में अगर y1 वन मोल फ्रैक्शन है किसकी वन ऑफ द कंपोनेंट की ठीक है मान लेते हैं ग्रीन वाले की कितनी है मोल फ्रैक्शन वन है ठीक है वाई वन है और रेड वाले की कितनी है वाई टू है तो उस सिचुएशन में पी वन जो वेपर प्रेशर होगा ड्यू टू कंपोनेंट वो किसका किसके बराबर होगा मोल फ्रैक्शन इन द स्टेट मल्टीप्लाइड और पी टू वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा पार्शियल ड्यू टू कंपोनेंट टू किसके बराबर होगा इट्स मोल फ्रैक्शन ध्यान से सुनेंगे इट्स मोल फ्रैक्शन इन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वेपर प्रेशर ठीक है तो ये है रोल्स लॉ और ये ग्राफ हम बार बार रेफर करेंगे इस चैप्टर में तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी भाई ठीक है तो जल्दी से बता दो कितने लोगों को इस ग्राफ के बारे में पता लग गया हुँ? जल्दी से बताएंगे मैसेज करके कि कितने लोगों ने ये ग्राफ जो है वो समझ लिया शाबाश फिर उसके आगे चलते हैं जल्दी से फिर क्लास खत्म करेंगे हम So, अब देखेंगे हम रोल्स लॉ और रोल्स लॉ का कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ हेनरीज लॉ के साथ तो रॉल्ट लॉ देखिए दो कंपोनेंट हैं रॉल्स लॉ में दो लिक्विड हैं ठीक है हेनरीज लॉ में एक लिक्विड है ठीक है एक लिक्विड यहाँ पे भी ले लेता हूँ वही वाला लिक्विड यहीं ले लिया मैंने ठीक है और दूसरा लिक्विड इसमें दो कंपोनेंट हैं इसमें कंपोनेंट वन प्लस कंपोनेंट टू ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इसमें ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रीन कलर का लिक्विड है ठीक है और यहां पर में एक तो लिक्विड हो गया और इसके ऊपर कोई गैस है ठीक है मान लेते हैं CO2 टू गैस ये क्लियर है बात है सो रॉल्ट लॉ ने बोला यहां पर के जो कंपोनेंट वन है ठीक है कंपोनेंट वन का बेपर प्रेशर किसके बराबर होगा इट्स बेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन ठीक है और यहां पर हैनरीज लॉ में ये क्या बोलता है कि जो गैस है ये डिजोल्व भी हो गई इस लिक्विड में ठीक है तो इस गैस का जो डिजोल्व पार्ट है लिक्विड स्टेट में उसकी जो मोल फ्रैक्शन है वो कितनी है x है तो गैस की जो मोल फ्रैक्शन और गैस का जो पार्शियल यह, यहां पर तो यहां पर बात करेंगे हम प्रेशर ऑफ गैस की ठीक है वैसे है ये भी पार्शियल प्रेशर ही है तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन ठीक है तो यहां पर ये यह पी किसके बराबर आया के एच इंटू एक्स के बराबर ठीक है प्रेशर प्रेशर इसलिए बोला मैंने इसको यहां पर पी को क्योंकि यहां पर वाटर वेपर वाटर है अगर लिक्विड तो वाटर के वेपर्स भी होंगे उनका वेपर प्रेशर भी होगा ठीक है तो इन दो लॉज में यहां पर सिमिलरिटी देखिए

नेचर ऑफ द गैस ठीक है सो दे डिफर इन द नेचर ऑफ प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट बाकी ये क्या है एक ही बात है सो रॉल्ट लॉ क्या है एक स्पेशल केस है किसका हेनरीज़ लॉ का ठीक है भाई तो इस तरह से ये रॉल्ट लॉ और हेनरीज लॉ में हमने सिमिलैरिटी देखी अब हम जल्दी से एक और सिचुएशन देखते हैं कि हमारे पास सॉलिड है ठीक है कोई सॉलिड सोल्यूट लिया हमने सपोज करिए एन है इसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया ठीक है क्या बन गया सॉल्यूशन बन गया ठीक है अब यहां पर वाटर क्या है वाटर इज अ वोलाटाइल लिक्विड वेपर्स बन जाते हैं इसके और सोडियम क्लोराइड क्या है यहां पर नॉन वोलाटाइल है अब हमने रॉय स्लॉ की इक्वेशन देखी आज कि पी टोटल किसके बराबर होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी वन नॉट प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट इंटू एक्स टू ठीक है या सिंपली पी टोटल किसके बराबर है भाई पी वन प्लस पी टू ठीक है तो यहां पर हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो है सोडियम क्लोराइड और फर्स्ट कंपोनेंट है यहां पर हमारा वाटर सो सोडियम क्लोराइड नॉन वोलेटाइल है इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा जीरो होगा सो पी टोटल किसकी वजह से है यहां पर भी टोटल वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा पी वन के बराबर होगा ठीक है और ये जो पी वन है ये किसके बराबर है वन किसकी वजह से है इट इज ड्यू टू वाटर वेपर्स तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं पी वन नॉट इंटू एक्स वन पी टोटल तो ये सिचुएशन कब है जब हमारा सोल्यूट या वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉन वोलाटाइन ठीक है तो इस सिचुएशन में ग्राफ कैसा रहेगा भाई अब ग्राफ के लिए हमारे पास एक ही चीज है प्रेशर एक एक वेरिएबल और दूसरा एक्स वन तो प्रेशर पी टोटल और एक्स वन के बीच में क्या है दोनों की पावर कितनी है वन सो इट शुड बी अ ग्राफ दैट इज इट शुड बी लीनियर ग्राफ तो ये हमारा वो सिचुएशन है जब हमारे पास जब हमारे पास सोल्यूट कैसा है नॉन वोलाटाइल है चलिए अब चलते हैं आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल आइडियल और नॉन आइडियल में पहली बात तो जो ये है कि जो आइडियल नहीं है दैट इज नॉन आइडियल तो आइडियल सॉल्यूशन देखिए ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें कि हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू ठीक है और ये सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करता है ठीक है सो ऐसा सॉल्यूशन सच सोल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ इसको जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है या रॉल्स लॉ को ओबे करता है ठीक है उसको हम बोलेंगे आइडल सॉल्यूशन और जो कि विच डज नॉट फॉलो और विच डज नॉट ओबे ठीक है आर कॉल्ड नॉन आइडल सॉल्यूशन सो तो इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि नॉन आइडल और आइडल कैसे होते हैं ये हम बाद में देखते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी देखिए कि जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे डेल्टा सॉरी कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू को तब कोई हीट चेंज नहीं होगा ठीक है अगर आइडियल सॉल्यूशन बनना है तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा जीरो होगा ठीक है और डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होगा अब इसका क्या मतलब है

दैट स कि अगर कंपोनेंट वन के हमने टेन एम एल लिए ठीक है उसको मिक्स किया फिफ्टीन एम एल ऑफ कंपोनेंट टू ये कंपोनेंट वन है ये कंपोनेंट टू तो उन दोनों कंपोनेंट्स के कितने का वॉल्यूम जो बना ठीक है कंपोनेंट वन और टू का वॉल्यूम कितना बना ट्वेंटी फाइव एम एल इसका मतलब कि उन दोनों को ऐड करने पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ अगर ट्वेंटी फाइव से कम हो जाता या ज्यादा हो जाता तो उसको हम बोलते डेल्टा वी मिक्सिंग ठीक है या वॉल्यूम चेंज हो जाता इसको डेल्टा वी की वैल्यू होती फिर वो ठीक है सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आइडल सॉल्यूशन बनेंगे ठीक है डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो ठीक है ऐसा होता है हमारे पास जब नॉन आइडल सॉल्यूशन बनेगा ठीक है भाई तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी जीरो के बराबर नहीं होगी उस सिचुएशन में क्या होगा भी देखिए कि अगर एक कंपोनेंट का हम 15 एम लेते हैं और दूसरे कंपोनेंट का अगर हम कितना लेते हैं 30 एम लेते हैं तो वो 45 फाइव के बराबर नहीं होगा वो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा ठीक है इसी तरह से जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में तो वो सोल्यूशन क्या हो जाता है गर्म हो जाता है ठीक है तो डेल्टा एच मिक्सिंग वहां पर क्या है टेम्परेचर चेंज हो गया तो वहां पर कुछ हीट इवॉल्व हुई तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो इसी तरह से हम अगर अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाएं तो उसमें क्या होता है टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है ये बीकर जिसमें हम सोल्यूशन बनाते हैं वो ठंडा हो जाता है दैट मीन्स कि वहाँ पर हीट क्या हो गई बीकर से एब्जॉर्ब कर ली किसने सॉल्यूशन ने तो वहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कि दे आर नॉन आइडियल तो आइडियल नॉन आइडियल की जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है ठीक है देखिए दो कंपोनेंट हैं हमारे पास देखिए ए और बी ठीक है ए so, और ए के बीच में कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है बी और बी के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं ठीक है तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी ए और बी के बीच भी कोई इंट्रैक्शन होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ठीक है ए और ए के बीच में जैसे पहले थी वैसे भी रहेगी बी और बी के बीच में भी रहेगी तो so, देखिए अगर ए और बी के बीच में जो नया फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ठीक है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ही मान लेते हैं इसको अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के बराबर ही है ए और ए के बराबर ही है ठीक है तो बनेगा आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ए और ए के बीच में और बी और बी के बीच में तो चलिए मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सेम है ठीक है इसमें भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो के बीच में जितना कि इन दोनों के बीच में है लेकिन जब इनको हमने मिक्स किया तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आ जाएगा दैट इज ए बी अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से डिफरेंट है ठीक है या तो इससे डिफरेंट है ये इससे डिफरेंट है इन दोनों से ही डिफरेंट है मान लेते हैं तो फिर हमारा सोल्यूशन कैसा बनेगा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा आज हमने देखा लॉ और सच सोल्यूशन इन विच बो दिक्विड दे आर वोलेटाइल और ऐसी सिचुएशन भी देखी हमने अभी जिसमें कि एक कंपोनेंट वोलेटाइल है और एक वोलेटाइल नहीं है फिर हमने स्टडी किया कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं ठीक है ठीके? और इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये भी हमने इनकी मॉलिकुलर लेवल के ऊपर भी इनकी हमने डिस्कशन सीखी इसके आगे हमारा टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सो देखिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को मैं क्यों टच कर रहा हूँ अभी देखिए कि जब हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए देखिए ये है हमारा एक प्योर लिक्विड बनाया मैंने यहाँ पे ठीक है इसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है या अगर कंपोनेंट वन है तो इसका वेपर प्रेशर है वी पी वन नॉट बोलेंगे अब मैंने क्या किया इसमें कोई ऐसा सल्यूट डाल दिया ठीक है कोई मैंने इसमें ऐसा सल्यूट डाला जो कि क्या है नॉन वोलटाइल है कैसा सल्यूट ऐड कर दिया अभी मैंने इसमें नॉन वोलरटाइल सल्यूट ऐड कर दिया ठीक है तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करने से यहां पर क्या होगा सरफेस के ऊपर यहां पर इस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ जाएंगे जिनके की वेपर्स नहीं बनेंगे ये देखिए तो अब इस सॉल्यूशन ये जो सॉल्यूशन है यहां पर जो सॉल्यूशन बना हमारा भी देखिए ठीक है ये तो प्योर है ठीक है और ये क्या है ये सॉल्यूशन है ठीक है तो अब यहां पर ये जो रेड मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पे बनाए ये कैसे हैं दे आर नॉन वोला टाइल ये कैसे है? हैं नॉन वोलाटाइल टाइल ये ठीक है तो अब देखिए कि यहां पर यहां पर ये ग्रीन जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर वोलाटाइल इनके पेपर्स बन जाएंगे यहां पर भी ग्रीन मॉलिक्यूल है भाई इसमें सॉल्यूशन में, में ज्यादा ये ग्रीन क्या है सॉल्वेंट रख लीजिए ठीक है ग्रीन ये सारे क्या हैं? दे आर वोलाटाइल हैं ठीक है थीके? लेकिन ये जो रेड वाले हैं दे आर नॉन वोलाटाइल अब खुद तो ये वेपर स्टेट में नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ पर इन्होंने सरफेस पे कुछ एरिया क्या कर लिया हुआ है ऑक्यूपाई कर लिया है जिससे कि इन ग्रीन मॉलिक्यूल्स को ये वेपर स्टेट में जाने से रोकेंगे तो क्या होगा भी यहां पर यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में वो हायर होगा और यहाँ पर सोल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या होगा लोअर होगा ठीक है, सो यहां से हमारी बात बनती है कि ये जो वेपर प्रेशर है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है अफेक्ट करता है ठीक है जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है सो so, अगर वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड ठीक है तो उस सिचुएशन में इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ठीक है भी? क्या बताया मैंने? पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के ऊपर। अब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज्यादा है और यहां पर वेपर इसमें सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या हो गया लोअर हो गया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा प्योर लिक्विड से ठीक है तो ऐसी प्रॉपर्टीज और ये जो वेपर प्रेशर यहां पर जो कि बॉइलिंग पॉइंट को प्रभावित कर रहा है ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये केवल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा ये जो नंबर्स हैं मॉलिक्यूल्स के ये जो रेड वाले मॉलिक्यूल जो हैं इनका नंबर ही इसको अफेक्ट करेगा इनका नेचर नहीं अगर इन रेड के बदले में मैं कोई और मॉलिक्यूल ले लेता हूं डिफरेंट है ठीक है तो यहाँ पर कितने लिए मैंने देखिए वन टू थ्री फोर फाइव है ठीक है रेड मॉलिक्यूल्स कितने यहाँ पे फाइव हैं ठीक है इन रेड के बदले में मैं फाइव मॉलिक्यूल्स कौन से ले लेता हूँ कोई डिफरेंट ले लेता हूँ किससे रिप्रेजेंट कर दिए मैंने वो पर्पल कलर से तो किसी और पांच मॉलिक्यूल्स के यहां आने से भी इसका वेपर प्रेशर उतना ही चेंज होगा जितने की रेड मॉलिक्यूल्स है ठीक है तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा वो रेड वाले मॉलिक्यूल से भी उतना ही आएगा जितना कि पर्पल वाले से ठीक है कलर से मैं मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स का कलर नहीं है ये क्लियर बात है भाई सो so, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं ठीक है नेचर के ऊपर नहीं ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आज हमने रोल्स लॉ पढ़ लिया ठीक है वेपर प्रेशर पढ़ लिया ठीक है तो अब हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना ईजी होगा ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में आज आपको इतना पता लग गया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं विच डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर बट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल तो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं ये भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं नॉट अपॉन द नेचर सो आज के इस लेक्चर में इतना ही कल हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करें थैंक यू